हे गाइस, इट्स नॉट दैट इजी। पूरा दिन ऐसे घर पे पड़े रहो, सुबह 9:30 बजे उठो, फिर पूरा दिन कुछ भी नहीं करो, फिर 6:30 बजे कुछ भी नहीं करो, फिर खाना खाओ, फिर भी कुछ नहीं करो। इट्स वेरी टफ। और अब तो 19 दिन फिर से कुछ नहीं करना, कितना मुश्किल है। दैट वॉज जस्ट अ जोक गाइज। वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन। एंड इट्स डे नंबर 21। वी वर एक्सपेक्टिंग द लॉकडाउन टू एक्सटेंड और वही हुआ है। बट लेट जस्ट सिट डाउन एट अवर प्लेस और फिर बात करते हैं आपसे। ऑल राइट, सो मैं जो है वो मजाक कर रहा था। बहुत कुछ है करने को एंड बहुत कुछ जो है वो हमने आपको बताया भी है करने को, चीज़ें जो आप जो है लॉकडाउन में कर सकते हैं। एंड इफ़ माई आईज़ आर लुकिंग रियली स्लीपी, क्योंकि अभी जो है वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा स्केड्यूल ख़राब हो रखा है। कभी भी सोने जा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। बट येस, फ्रॉम 9:30 टिल 6:30 हम डेडिकेटेडली अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऑल दो बिजनेसिस लो हैं, बट येस वी आर ट्राइंग कि कहीं से कुछ सोर्स निकल कर आ जाए, सो दैट बिजनेस जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ऑल दो इफेक्ट तो हुआ ही है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। सो आज जो है वो अब तक जो है आप सबने न्यूज़ जो है वो सुनी ली है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया टिल 3rd मई। और अभी जो है वो हमारे पास, पहले तो हम लोग यही सोच रहे थे, पिछली वीडियो में बात की थी तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि कितनी वीडियोस मैं बना पाऊंगा, मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा टास्क था। बट यस, मैंने जो है वो 21 डेज तक लगातार वीडियो बनाई, डाली, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सब्सक्राइबर भी जो है वो हमारे अच्छे खासे बढ़े। एंड आई होप कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। बट अभी थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि जो है वो थोड़ा सा ब्रेक दूँ। ऑल दो 21 वीडियोस लगातार बनाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट येस एक मेंटल प्रेशर एक रहता है कि येस कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है। ऑल तो अगर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होते तो फॉर श्योर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट येस अगर क्वालिटी चाहिए तो मुझे लगता है कि अब जो है वो मुझे थोड़ा सा गैप देना चाहिए। और वीडियोस मैं ट्राई करूँगा कि वीक में 3 करूँ, और अगर कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ, कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ तो फॉर श्योर वो तो हम रिकॉर्ड और कवर करेंगे। बट अभी क्या है कि ऑफिस का काम भी होता है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, उसकी वजह से जो है और वो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी होती है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बट येस, अब मुझे भी नहीं लगा था कि मैं 21 डेज तक जो है वो इस चीज़ को कर पाऊँगा। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़े कम डेज होते, मतलब 30th अप्रैल या मे बी 25th अप्रैल तक। बट ठीक है, जो डिसीजन लिया गया है इट्स रियली गुड एंड वी एक्सपेक्ट कि तब तक सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। और अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में जो है वो यह अपडेट थी, और जो है वो जिसके बारे में बात करेंगे कि चाइना में जो है वो फिर दोबारा से केसेस जो है वो आ गए, एंड वो आए संडे को थे बट अभी निकल के आए हैं बाकी नेशंस के लिए। एंड 109 केसेस थे जो कि इन अ डे हो गए वहां पर फिर दोबारा। और इट्स शॉकिंग काइंड ऑफ, क्योंकि बीच में बहुत दिनों तक उनके पास उनके जो है वो कोई भी केस नहीं आए थे। एंड वी आर होपिंग कि वो जो है दोबारा से स्प्रेड ना कर दें। और ये नहीं क्लियर हुआ है कि वो कहाँ से आए, कहीं वो बाहर से तो नहीं थे, क्योंकि बाहर से नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो सब कुछ ही लॉकडाउन है, वहाँ पर भी लॉकडाउन है, इंडिया में भी लॉकडाउन है। और होप सो कि वो लोग जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। ऑल दो ऐसा माना गया था कि चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने एक ऐप बनाई जिसको देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होके कहेंगे तो जो आरोग्य सेतु करके यहाँ पर ऐप बनी इंडिया में, जिसको हमने भी कहा पिछली वीडियो में कि आप डाउनलोड करें, विच इज़ गुड। और शायद उसमें मैंने जियो टैगिंग बोल दिया था गलती से, बट इसमें क्या है वो ऐप में आपको, मैंने डाउनलोड करी है, खुद भी यूज़ करी है। सो ब्लूटूथ फ़ोन का जो है वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए आपका, एंड वो तभी कारगर है जब आप फ़ोन लेके जाते हो। इंडिया में जो है वो लोग अक्सर फ़ोन इधर उधर भूल जाते हैं, और ख़ासकर जब बाहर जाते हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। और
फिर वहीं अगर बात करें तो दूसरे देशों की, तो ग्रीनलैंड में भी जो है वो थोड़े दिन पहले केसेस रिपोर्ट किए गए थे 16-17, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल करके जो है वो 16 के 16 केसेस को रिकवर कर लिया और उन्हें बचा लिया। अर्ली स्टेज पे यही फायदा होता है जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो। फिर उसके बाद जो है, अगर हम बात करें अपने इंडिया के केरल की, तो यहाँ पर भी जो है वो केसेस जो है वो डेथ के बहुत लो हैं, इवन जो रिकवरी के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं। अब तो इंडिया में दिल्ली और महाराष्ट्र में जो है वो केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, और देर आर मोर देन 43 प्लेसेस जिनको जो है वो सील्ड कर दिया गया है प्रॉपरली, और रेड मार्क भी कर दिया गया है। फिर महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा प्लेसेस, अभी आज ही थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई थी ट्विटर पर, बहुत लोगों ने शेयर भी करी, और जहाँ पे बांद्रा के किसी एरिया में जो है वो बहुत सारे लेबर क्लास लोग हैं वो सड़क पे बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। ये नहीं पता चल पाया कि वो लोग वहाँ से कहीं और जा रहे थे और या फिर कुछ और कर रहे थे, या फिर पुलिस भी थी वहाँ पर और पुलिस ने उनको कैसे कंट्रोल करके रखा, वो एक उस वीडियो में है, उस क्लिप में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर एक्सपेक्टिंग कि नंबर जो है वो धीरे धीरे ही कम होंगे, एकदम से तो कम नहीं होंगे। सो लेट्स होप कि जो स्पीडी ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो। एंड अभी देखते हैं कि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, बिकॉज ऐसा कुछ प्लान नहीं था, सिर्फ 21 डेज के लिए प्लान किया था। आप देखते हैं, कुछ अगर अच्छा आएगा, कुछ बताने वाला होगा तो फॉर श्योर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो टिल देन, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो साउंड कर रही है, सो बिकॉज आई एम रियली रियली टायर्ड, और अभी जो है वो 10:30-11 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सो अगले दिन एडिट करता हूँ एंड उसी दिन आप लोगों को पोस्ट करके मिलती है वीडियो। सो टिल देन, टेक केयर। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस 21 डे सीरीज। अगर कोई भी वीडियो आपको दोबारा देखनी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड होप कि एक नई वीडियो हम जो है वो जल्दी से क्रिएट करके आप लोगों के लिए लेके आए। टिल दिस टाइम आई होप कि आप लोग सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, एंड वी विल सी यू ऑन दी अदर साइड।